नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। चिराग पासवान आज पटना की सड़कों पर संग्राम करेंगे, वो राजभवन मार्च निकाल रहे हैं। इस वक्त हम पटना के में चिराग पासवान के आवास पर मौजूद है, जहां पर पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से एकजुट होकर आज राजभवन मार्च निकालने की तैयारी करें। सबसे पहले हम बात करेंगे राजू तिवारी से। तैयार हैं आप लोग, क्योंकि पुलिस भी चौकन्नी है? नहीं, पुलिस अपना काम करेगी, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी एकदम मतलब नियम के अनुकूल हम लोग राजभवन मार्च करेंगे। हम लोग पुलिस का सहयोग करेंगे और पुलिस से उम्मीद भी रखेंगे कि पुलिस भी हम लोग का सहयोग करे। राजभवन की तैयारी है, नीतीश कुमार का जो कुनीति है उसके खिलाफ हम लोग राजभवन को महामहिम को एक ज्ञापन देंगे और तत्काल महामहिम से आग्रह करेंगे कि बिहार सरकार कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी व्यवस्था सब पे फेल है, इसलिए इन सरकार को बर्खास्त किया। आप जिसे कुनीति कह रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार मानते हैं वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, शराबबंदी? देखिए, शराबबंदी ताकत है। 2016 में मैं भी सदस्य था, मैं भी कसम खाया था और मैं आपको बता दूं कि बार बार कसम खाने वाले लोग हैं। कसम एक बार खाई जाती है, गांव में कहावत है बार बार कसम खाने वाले झूठे होते हैं। एक बार जब आपने कसम खा लिया, फिर उसी पदाधिकारी को, फिर उसी विधायक को आप कसम दिलवाते हैं, आपको न्याय आपको मालूम नहीं है। उस चार दीवारी से जब निकलेगा तो देखिएगा कि महिलाओं का चित्कार, जिसका बेटा मर रहा है, जिसका जहरीली शराब से जिसका बेटा मर रहा है, पति मर रहा है, वो यानी महिलाओं का ही चित्कार दिखता है बाहर जा करके, चित्कार दिख रहा है। हमारे नेता जा करके देखें, आप निकलिए बाहर, दुख कष्ट देखिए कि सबसे ज्यादा महिलाओं को कष्ट है कि नहीं कष्ट है। शराबबंदी का हम लोग भी पार्टी समर्थन, सरकार चेतेगी आप लोगों के इस राजभवन मार्च के बाद? निश्चित रूप से चेतना चाहिए, क्योंकि आज हमारा जो मिशन है उस मिशन में कामयाबी हम लोग को जरूर मिलेगी। और हमारा महिला ब्रिगेड आप देख रहे होंगे कि सारे बिहार से महिलाएं पहुंच रही हैं, और जो अभी मतलब आज के डेट में जो बोले कि बिहार के लिए अगर सबसे कोई घृणित काम रहा है तो वो महिलाओं का जो यौन शोषण का जो मामला आया है, जो आपका देख रहे हैं रिमांड होम का, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य और बिहार के लिए दुर्भाग्य है और हम लोग के लिए दुर्भाग्य है कि हम लोग के यहाँ महिलाओं के साथ इतना बड़ा यौन शोषण हो रहा है और सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री जी एक शब्द उस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। सरकार के मुखिया एक शब्द नहीं बोल रहे। अमर आज़ाद है, यूथ नेता है, अक्सर पटना की सड़कों पर कई बार आप संग्राम कर, आपको तो काफ़ी अनुभव होगा इस बार, क्या देखिए अनुभव है? देखिए तो सरकार तानाशाही सरकार के खिलाफ जब सरकार बहरी हो जाती है तो धमाका का जरूरत करना ही पड़ता है। और हम लोग तो अधिकार मांग रहे हैं, युवाओं का, युवाओं को बेरोजगार चाहिए, जो उत्पीड़न हो रहा है, हत्या हो रही है के कारण जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, शिक्षा चौपट हो रहा है, तो उसके लिए पूरे युवा, पूरे बिहार की जनता चिराग पासवान जी के साथ मिलकर के, हमारे अध्यक्ष जी के साथ मिलकर आंदोलन के लिए तैयार है। हम लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं और थोड़ी देर बाद चिराग पासवान निकलेंगे जेपी गोलंबर के लिए, जहां पर राजभवन मार्च की शुरुआत की जाएगी। फिलहाल अभी तक इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।